डी स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, वेलकम इन SNS मैथ्स क्लास। सो आइए हम लोग अपने टॉपिक सीक्वेंस एंड सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए नेक्स्ट लेक्चर पे चलते हैं। ये सीक्वेंस एंड सीरीज का टॉपिक ऑलरेडी 2 लेक्चर्स हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का लेक्चर नंबर 3 है और जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सम ऑफ एन इनफाइनाइट GP। 2 लेक्चर्स ऑलरेडी हम लोगों ने अपलोड किया है जिसमें हम लोगों ने स्टडी क्या किया था, डिस्कस क्या किया है। हम सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए GP, nth टर्म ऑफ ए GP एंड सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन ए GP, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं। अब बारी हमारी कि सम ऑफ एन इनफाइनाइट GP की को डिस्कस करने की। सो हमारा लेक्चर 3 जो है इसमें हम सम ऑफ इनफाइनाइट GP डिस्कस करेंगे और साथ में उसके क्वेश्चंस के लिए आर्य शर्मा की बुक का जो एक्सरसाइज 20.4 है, एक्सरसाइज 20.4 में से हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं सम ऑफ एन इनफाइनाइट GP। सी एज फॉर एज सम ऑफ इनफाइनाइट GP का से पहले अगर मैं ऐसे बोलता हूँ कि हम लोगों ने ये इनफाइनाइट AP का सम फाइंड आउट नहीं किया था, मतलब ऐसी नौबत नहीं आई ना कि हमने AP का इनफाइनाइट AP क्यों नहीं डिस्कस किया, इनफाइनाइट AP का सम क्यों नहीं फाइंड आउट किया। थोड़ा सोच के देखना कि AP के केस में अगर वो एक इंक्रीजिंग AP है तो वो इंक्रीज करते करते अगर हम इन्फिनिटी की तरफ मूव करेंगे तो वो ऑलरेडी इन्फिनिटी पहुंच जाएगा। सिमिलरली अगर वो डिक्रीजिंग AP है तो वो डिक्रीज करते हुए माइनस इन्फिनिटी की तरफ मूव कर जाएगा। तो इसलिए सम ऑफ इन्फाइनाइट टर्म्स ऑफ एन AP की जरूरत ही महसूस नहीं होती है, तो GP में क्यों महसूस होता। नाउ सी अगर हम एक GP यानी हम GP का जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा है वो क्या है, AR² AR³। मीनिंग कि अगर हम इस GP का सम कैलकुलेट कर रहे हैं, से इट इज nth टर्म हो गया AR⁻¹ और फर्दर हम अगर इन्फिनिटी की तरफ मूव करें, सपोज वी आर मूविंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, और अगर r > 1 है, सपोज करते हैं कि r > 1 है, सी अगर r 1 के इक्वल होगा सो उस केस में क्या होगा, ईच टर्म बिकम इक्वल, हर एक टर्म इक्वल हो जाएगा, तो इसलिए हम उस केस को अभी इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। सो अगर r > 1 है तो उस केस में क्या होगा, > 1 के केस में ये एक इंक्रीजिंग GP होगा, यानी GP के टर्म्स इंक्रीज करते जाएंगे, और जब भी कोई चीज इंक्रीज करेगी और हम इन्फिनिटी की तरफ मूव करेंगे तो ये डेफिनेटली जो सम है ना ये भी इन्फिनिटी की तरफ मूव कर जाएगा। सिमिलरली अगर r > -1 है तो दैट मीन ऑल द टर्म्स बिकम नेगेटिव, या अगर शुरू में कुछ पॉजिटिव टर्म्स हैं तो वो धीरे धीरे नेगेटिव की तरफ मूव कर जाएंगे, और उस केस में भी हम जो s इन्फिनिटी फाइंड आउट करेंगे, यहाँ भी इन्फाइनाइट टर्म्स हो गया, सो ये भी हमारा आइदर प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी आंसर आएगा। सी ये डिपेंड करता है क्योंकि जब हम r को -1 बोलते हैं ना तो जो इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो तो हमारे क्या हो जाएंगे, वो पॉजिटिव हो जाएंगे, और ऑड नंबर ऑफ टर्म हमारा नेगेटिव का टर्म आएगा। तो नेगेटिव पॉजिटिव टर्म्स को अलग करके अगर हम उसको ऐड करेंगे सो इट मे बी आइदर प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी का हमारा कोई ना कोई आंसर आने वाला है। यानी इन दोनों केसेस में हम सम ऑफ इन्फाइनाइट GP का क्वेश्चन अराइज ही नहीं होता, यानी r अगर 1 से ग्रेटर है या 1 से -1 से लेस है तो उस केस में सम ऑफ इन्फिनिटी सम ऑफ इन्फाइनाइट GP को डिस्कस करने की जरूरत ही महसूस नहीं होगी, क्योंकि उस केस में या तो सम प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा या सम माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो एक और केस आता है और वो हो गया हमारा कि हम इन्फाइनाइट GP को फिर डिस्कस कब करेंगे। इसमें ये छूट गया हम लोगों ने, क्या छोड़ दिया है, जब r की वैल्यू 1 से -1 के बीच में हो, मीनिंग r हमारा क्या है, फ्रैक्शन है। कौन सा फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से बड़ा होता है, राइट। इस केस में अगर एक हमारे पास कोई GP है तब हम उसका सम कैलकुलेट करेंगे, इनफाइनाइट GP का सम डिफाइंड हो जाएगा। कैसे डिफाइंड होगा, सी नाउ अगेन हमें पता है कि किसी भी जो GP है उसके n टर्म का सम क्या होता है, दैट इज a 1 - r² n / 1 - r। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, a 1 - r
माइनस ए आर टू पावर एन वन माइनस आर। अब यहां देखिए आर क्या हमारा फ्रैक्शन है ना, जैसे एग्जाम्पल के लिए आर फ्रैक्शन मीनिंग अगर मैं आर को वन बाई टू लेता हूं तो आर स्क्वायर क्या होगा नेक्स्ट टर्म में वन बाई फोर हो जाएगा, आर क्यूब कितना हो जाएगा वन बाई एट हो जाएगा एंड सो ऑन। इसका मतलब आर की पावर एन अगर हम फाइंड आउट करते हैं जो यहां पर अभी सपोज ये टू टू पावर एन आ रहा है, सो अब अगर एन इंफिनिटी हो जाए तो क्योंकि वन अपॉन इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट पे आ गए और वन अपॉन एन इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट हमें क्या बोलता है कि आर पावर एन जीरो हो जाएगा। यानी जब कभी भी आर की वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में हो, है ना, यानी इनफाइनाइट जीपी, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी सिर्फ तभी डिफाइन है जब मॉड आर लेस देन वन हो, या इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि आर की वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में होना चाहिए, तब तो हम सम एक इन्फाइनाइट जीबी का सम कैलकुलेट करेंगे, डिस्कस करेंगे, कैलकुलेट करने की जरूरत होगी, अदरवाइज कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं होगी। नाउ हमने क्या और क्या महसूस किया कि जैसे जैसे एन इंक्रीज करता है ना तो आर टू पावर एन एक्चुअली डिक्रीज करता है, नहीं 1 बाई टू से 1 बाई फोर छोटा है, 1 बाई फोर से 1 बाई एट और छोटा हो गया, यानी हम आर की पावर को इंक्रीज कर रहे हैं तो आर टू पावर, यानी हम क्या कर रहे हैं एन को इंक्रीज कर रहे हैं तो आर जो है ना पावर में आर टू पावर एन जो है वो डिक्रीज करता जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब एन इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगा तो डेफिनेटली आर टू पावर एन जीरो पे पहुंच जाएगा, नहीं एन अगर हमारा इन्फिनिटी हो गया तो आर टू पावर एन क्या होना चाहिए जीरो हो जाना चाहिए, और अगर आर टू पावर एन जीरो हो गया तो ये टर्म हमारा जीरो हो जाएगा, और ये टर्म जीरो होने का मतलब जो एस एन है वो वन माइनस आर होना चाहिए, यानी ये मैं कह सकता हूं कि एस इन्फिनिटी जो है वो सिंपली ए अपॉन वन माइनस आर, यानी इन्फाइनाइट जीपी का जो फॉर्मूला हो गया वो हो गया एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय वन माइनस आर। बस कंडीशन ये ध्यान रखना है कि आर की वैल्यू मॉड आर लेस देन वन होना चाहिए या आर की वैल्यू माइनस वन से वन के बीच होनी चाहिए। ओके नाउ लेट अस मूव टुवर्ड द क्वेश्चन, यानी एक छोटा सा फॉर्मूला है और इस पे आपकी बुक जो है अगर हम आर डी शर्मा बुक की बात करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में तो लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं, यहाँ पर एक्सरसाइज 20.4 में टोटल 13 क्वेश्चन आर देयर, जो हमारी एक बुक है आर डी शर्मा की एक्सरसाइज 20.4 उसमें टोटल 13 क्वेश्चन है और दोस 13 क्वेश्चंस हम 9 क्वेश्चंस को यहाँ डिस्कस करेंगे, और जो लेवल 2 के जो क्वेश्चंस है वो हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑफ जीपी जो सीरीज हम लोगों ने चला रखी है उसमें आपको रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। सो आइए मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ। सो सी अगेन क्वेश्चन नंबर 1 में ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, तो हमने एक क्वेश्चन पिक कर लिया जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ही है, इसमें हमें इस इनफाइनाइट जीपी का सम कैलकुलेट करना है। सी अगर एक इनफाइनाइट जीपी का सम कैलकुलेट करना है तो ये अब हार्डली वन मास का क्वेश्चन हो गया। कैसे, अब इसमें सिंपली ए कितना है, ए वन है और आर नोट करेंगे, यानी सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से हमने डिवाइड कर दिया, यानी आर हो गया माइनस का 1/3, राइट। अब मुझे क्या करना है, एस इन्फिनिटी फाइंड आउट करना है, आई नो दैट एस इन्फिनिटी इज ए वन माइनस आर, सो ए वन है और ये वन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, सो 3/1 4/3 दैट इज 3/4, यानी ये सिंपल आंसर हो गया। यानी अगर एक जीपी गिवन है, से अगर हमें एक जीपी गिवन है और जिसका ए और आर अगर हमें दैट मीन वी नो ना, ये उस सीरीज से अगर हम ए और आर आसानी से लिख ले रहे हैं तो उसका सम कैलकुलेट करना, एस इन्फिनिटी कैलकुलेट करना बहुत ही सिंपल हो जाएगा, वो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन नंबर 1 में ना, देर आर 5 पार्ट्स इन क्वेश्चन नंबर 1 एंड ऑल दीज पार्ट्स आर सेम, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 2। नाउ सी दिस क्वेश्चन, प्रूव दैट 9^1/3, 9^1/9, 9^1/27 अप टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू 3। ये हमें क्या करना है कि प्रूव करके दिखाना। ओके सो नाउ गिवन लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज 9^1/3, 9^1/9, 9^1/27 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी ना, इनफाइनाइट जीपी इज देयर। ओके सो लॉ ऑफ इंडिसेस में हमने क्या पढ़ा है कि अगर बेस सेम हो तो प्रोडक्ट जो करना है वो क्या होता है, वो सम हो जाता है ना, यानी 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी।
अब ये जो 9 के ऊपर लिखा हुआ है ये एक सिंपल जीपी है, 1/3, 1/3 square, 1/3 cube, सो इट इज सिंपल जीपी ना। और यहां जो जीपी आपको है उस जीपी में फर्स्ट टर्म है 1/3 और जो कॉमन रेशियो है दैट इज ऑल्सो 1/3 ना, क्योंकि 1/9 को जब 1/3 से डिवाइड करेंगे तो हमें 1/3 मिल जाएगा, यानी ए भी 1/3 है और आर भी 1/3 है। तो यहां पर फॉर्मूला क्या होगा 9 टू पावर में, ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। ओके, इस 9 को मैं 3 स्क्वायर लिख लेता हूं, यहां क्या पावर आ रहा है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, यानी 9 टू पावर 1/3 को हमें डिवाइड करना है 3 माइनस 1, 2/3 से, यानी 9 टू पावर 1/2 ना, सो दैट इज 3, सो आंसर इज सिंपली 3। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ना, कि हमने आंसर कैलकुलेट किया 3। ओके, लेट अस चेक के और किस तरह के क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये देखिए, प्रूव दैट 2 टू पावर 1 बाई 4, 4 टू पावर 1 बाई 8, 8 टू पावर 1 बाई 16, 16 टू पावर 1 बाई 32 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी इज 2। ओके, इस केस में भी क्या करते हैं ना, इन सभी क्वेश्चन को जैसे 2 टू पावर 1 बाई 4 था इसको भी क्या करते हैं 2 लिख लेते हैं, तो 4 को हम 2 स्क्वायर लिखेंगे, तो 2 में मैंने क्या कर रहे हैं 8 को भी 2 क्यूब लिखेंगे ना, तो 3/16 हो जाएगा। 2 टू पावर 4, 16 को लिखेंगे तो 4/32 हो जाएगा एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। यानी नाउ आई हैव 2 की पावर है 1/4 प्लस 2/8 प्लस 3/16 प्लस 4/32 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ये नहीं कैलकुलेट करना है। ओके, सो क्या करते हैं ना, 2 की जो पावर लिखा हुआ है उसको सपोज करो कि हम लोग s लिख लेते हैं, 2 की पावर जो नंबर लिखा हुआ है और उसको मैं अलग से कैलकुलेट कर रहा हूँ। अभी एक चीज तो समझ में आया होगा कि ये जो टर्म लिखा हुआ है, यानी ये जो सीरीज लिखी हुई है 2 के पावर में, 2 के पावर में जो सीरीज लिखा हुआ है ये जीपी तो नहीं है, नहीं ना ये एपी है ना ये जीपी है, किस तरह की सीरीज है चेक करना है। 1, 2, 3, 4 ये तो एपी में जैसा नजर आ रहा है, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 जीपी में है, नहीं ऐसा लग रहा है कि एपी और जीपी के कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया गया है। सो एक्चुअली इट इज अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज का क्वेश्चन है, ये बुक ने यहां पर जीपी में इस क्वेश्चन को दिया हुआ है, लेकिन हम इसको में जीपी का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो क्या करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जो मेथड होता है एजीपी का, कि इसमें आर देख लीजिए, जो जीपी है ना इसके अंदर उस जीपी का कॉमन रेशियो कितना है 1/2, तो क्या करेंगे इस एस को मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करके लिखता हूं, लेकिन 1/4 को नीचे 1/4 को नहीं लिखेंगे, जब इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे यहां पर, जब इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे यहां पर, यानी एक टर्म शिफ्ट करके हमने लिख दिया, राइट। अभी दोनों को सबट्रैक्ट करें तो एस में से 1/2 एस सबट्रैक्ट होगा तो 1/2 एस आएगा, यहां क्या आने वाला है 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1/32 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ये सिंपल क्या आ गया, ये नाउ जीपी है, इन्फाइनाइट जीपी। अभी इन्फाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला ए 1 माइनस आर, दैट इज 1/4 डिवाइडेड बाय 1/2, दैट इज 1/2। सो 1/2 एस 1/2 है तो एस कितना हो गया, एस हो गया वन। अब इसको यहां पर 1 पुट कर देते हैं, यही ना, इसी को हमने कैलकुलेट किया है, इसी की वैल्यू को हमने अलग से कैलकुलेट किया था ना, जब इसको 1 पुट करेंगे तो 2 टू पावर 1 हमारा आंसर आ जाएगा, दैट इज अवर राइट हैंड साइड। सी, सो दिस क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन इन्फाइनाइट जीपी के अंडर है, लेकिन एक्चुअली ये इन्फाइनाइट जीपी नहीं है, इसमें हमने ये जो हमने एक सीरीज, जिस सीरीज का हमने सम कैलकुलेट किया है, इसको हम लोग एजीपी अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। सो दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर कंप्लीट एग्जामिनेशन ना, उनको तो ये पढ़ना होगा, है ना, उनके लिए हम सेपरेट वीडियो एक बनाएंगे जिसमें हम अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज के कुछ क्वेश्चंस और नहीं होगा तो जेई मेंस के कुछ क्वेश्चंस को वहां पर सॉल्व करेंगे, लेकिन एज फॉर एज सीबीएसई एग्जामिनेशन इज कंसर्न, जो आपके सीबीएसई और स्टेट बोर्ड की जो एग्जामिनेशन है उसमें एजीपी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते हैं। ओके, नाउ लेट अस मूव टुवर्ड द नेक्स्ट वन। ओके, हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 इज मिसिंग हियर, है ना, हम सीधे क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव कर गए, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि 4 क्वेश्चन को देखने के लिए, कि फोर्थ क्वेश्चन यहां पर शायद
लिखने में मिस्टेक हुई है, ओके कोई बात नहीं, हम लोग बाद में उसको फोर्थ को भी देख लेंगे कि व्हाट इज देयर इन क्वेश्चन नंबर फोर. ओके क्वेश्चन नंबर फाइव, फाइंड द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ एन इनफाइनाइट डिक्रीजिंग जीपी, है ना, आर यानी फ्रैक्शन में है, इन विच ऑल द टर्म्स आर पॉजिटिव, द फर्स्ट टर्म इज फोर एंड द डिफरेंस बिटवीन थर्ड एंड फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू दिस. दैट मीन अगर एक जीपी है ए ए आर ए आर स्क्वायर अप टू इंफिनिटी, इसको हमें फाइंड आउट करना है. क्या कह रहा है ये, इसने कहा जो फर्स्ट टर्म ए है वो फोर है, राइट, एंड द डिफरेंस बिटवीन थर्ड एंड फिफ्थ टर्म. सो थर्ड टर्म कितना हो गया और फिफ्थ टर्म क्या हो गया, ये ना इज 32/81, राइट, थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म में फोर आएगा, नहीं थर्ड टर्म में ए आर स्क्वायर, सो फोर्थ टर्म ए आर क्यूब, फिफ्थ टर्म ए आर टू पावर फोर. ए को कॉमन करें क्या यहां पे, ए को कॉमन करते हैं और ए को फोर भी पुट कर लेते हैं. सो नाउ वी हैव आर स्क्वायर माइनस आर टू पावर फोर इज 32/81. इसको फोर से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 8 4 32, सो इट इज 8 एक्चुअली. सो नाउ वी हैव 8/81, यानी अगर इधर शिफ्ट कर दें, सो नाउ वी हैव आर टू पावर फोर माइनस आर स्क्वायर प्लस 8/81 इज इक्वल टू जीरो. यानी अब इसे सॉल्व करना, क्या करते हैं कि लेट अस पुट आर स्क्वायर इक्वल टू टी और 81 का एलसीएम भी लेता हूं मैं, तो 81 टी स्क्वायर माइनस 81 टी प्लस 8 इक्वल टू जीरो, राइट. ये हमारा नाउ इसको मुझे क्या करना है, सिंप्लीफाई करके आंसर तक पहुंचना है, नहीं इसको अब 81 को 8 से मल्टीप्लाई करना फिर सॉल्व करना थोड़ा सा टिपिकल लगता है ना. तो क्या करते हैं, फॉर्मूले को अप्लाई करके देखें. टी क्या लिखते थे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 ए 81 एंड सी, व्हाट इज सी है, सी इज 8 ना. सिर्फ एक बार क्या करना है, थोड़ा चेक कर लेना है कि वट एवर वी आर राइटिंग ना दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, वो सही है ना. सी अगेन, क्या क्या हमने यहाँ पे 32/81 था, हमने क्या क्या 4 से कैंसिल कर दिया, 4 से उसको कैंसिल कर दिया तो 8/81 आ गया. 81 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आर स्क्वायर के साथ भी आएगा, 81 आर टू पावर 4 के साथ भी आएगा, है ना. और ये कॉन्स्टेंट टर्म 8 हो गया क्योंकि सभी टर्म को हमने इधर शिफ्ट किया है, तो ये लिखा था हमने. डिवाइड क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए 2a ना, सो 2 इंटू ए, वेयर इज ए, ए कितना है, ए भी 81 है. ओके नाउ सी, इज इट 81 इज कॉमन, और 81 यानी 9, ब्रैकेट के अंदर क्या बच जा रहा है, नाउ 81 माइनस, क्योंकि इस 81 को हमने कॉमन कर लिया, सो वी आर लेफ्ट विथ 32 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 81. ओके सो नाउ वी हैव 81, है ना, 81 प्लस माइनस 9. ओके अब 81 में से 32 माइनस करेंगे कितना आएगा, इज इट 49, सो 49 मीनिंग 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 81. चाहे तो 9 9 9 या 81 और 9 कैंसिल कर लेते हैं, प्लस साइन लिया, प्लस लेंगे तो यहाँ 9 7 16 by 18, सो दैट इज 8/9 आता है. माइनस साइन लेते हैं, माइनस साइन लेंगे तो 9 minus 7 2, 2/18 दैट इज 1/9. सो या तो ये है R या R ये है, राइट. सो नाउ वी हैव A, A हमें पता है, R हमें पता है, तो हमें सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी के लिए बस यहां पर पुट कर देना है. क्वेश्चन नंबर फाइव के आंसर के लिए क्या करेंगे, बस इसको यहां पुट करेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा. नहीं, इज इट करेक्ट, नो इट इज नॉट करेक्ट. व्हाई नॉट करेक्ट, अब देख छोटी छोटी गलतियां कैसे करते हैं. हमने क्या किया यहां पे, हमने जो ये कैलकुलेट किया कि ये आर नहीं है, ये टी है. अब अगर ये टी है तो एक्चुअली आर कितना होगा भाई, आर स्क्वायर इक्वल टू टी है ना, सो इसका मतलब आर स्क्वायर हो गया 8/9, सो एक्चुअली आर हो गया 2√2/3, राइट, ये हमारा आर हो जाएगा.
टू रूट टू बाई थ्री, और अगर हम नेगेटिव साइन लेते हैं तो उस केस में आर हो जाएगा वन बाई थ्री। ओके भाई, आर स्क्वायर को जब हम नाइन लिखेंगे, वन बाई नाइन लिखेंगे, तो आर इक्वल टू वन बाई थ्री आएगा। वी आर नॉट टेकिंग प्लस माइनस, क्योंकि प्लस माइनस लेंगे तो भी और बहुत सारे आंसर आ जाएंगे। बुक में सिर्फ एक आंसर दिया हुआ है और वो आर को टू रूट टू बाई थ्री लेके आंसर कैलकुलेट किया हुआ है। एक बार क्या करना है, खुद सोचना है कि आर को वन बाई थ्री लेके उसने क्यों कैलकुलेट नहीं किया है। हम आर को वन बाई थ्री लेके अपने इक्वेशन को एक बार चेक कर लेंगे कि इससे भी इससे क्या फर्क क्या पड़ता है क्वेश्चन के अंदर। ओके, लेट अस मूव टुवर्ड द नेक्स्ट वन। नाउ हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द रिकरिंग डेसिमल दिस दिस एज ए रैशनल नंबर। यस, ये एक और जीपी का, इनफाइनाइट जीपी का एक बहुत सुंदर सा एग्जांपल है। क्लास नाइन्थ में ऐसे ऐसी चीजों को ना क्लास नाइन्थ में याद होगा कि क्लास नाइन्थ में इस तरह के नंबर को हम लिखते थे 0.125 बार ना, ऐसे ना, और ये एक रैशनल नंबर है। यानी क्या करना है, इसको हमें पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है, लेकिन अभी हम जीपी यूज करने वाले हैं। ओके, सो लेट दिस नंबर इज पी। मैं इस नंबर को पी एल एम कुछ भी ले लेते हैं, पी लिखते हैं पी। जरा इस पी को देख के बताइए तो क्या ऐसे लिख सकते हैं 0.125 प्लस 0.000125 प्लस 0.00030 पहले 125 के लिए, ये दूसरे 125 के लिए, एंड 125 एंड सो ऑन, इट गो टुवर्ड्स इंफिनिटी। यानी ये हो गया 125 बाय 10 क्यूब, बट थ्री जीरोज आएंगे ना, यहां कितना हो जाएगा 125 बाय 10 टू पावर 6, 125 बाय 10 टू पावर 9 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। दैट मीन इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है तो जितने नंबर्स का रिपीटेशन है ना, उसी को क्या करना है, हमें उनको अलग अलग कर लेना है। और जब अलग अलग करेंगे तो एक सिंपल सी इनफाइनाइट जीपी फॉर्मेशन हो जाएगा। डायरेक्ट सम लिख लीजिए, सम क्या होगा, ए ए है 125 बाय 10 टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 125 बाय 10 टू पावर 3। चलिए एलसीएम लेके, तो एलसीएम लेंगे तो 10 टू पावर 1 बाई 3 कैंसिल हो जाएगा, 10 टू पावर 3 मतलब, यह हो जाएगा 10 टू पावर 3 मीनिंग 1000। सो वी हैव 1000 माइनस 125, और 1000 में से 125 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, इज इट 875। एक बार फिर चेक कर लेना है कि हम 1000 में से भाई 100 माइनस के तो 900 आ गया, 25 माइनस के तो 875, 25 से भी और कैंसिल होगा, तो 25 से कैंसिल करके आंसर को लिखा जा सकता है। नाउ सी अगेन, अब इस पूरे क्वेश्चन के अंदर है ना, इस पूरे क्वेश्चन के अंदर हमने शायद आर लिखने में एक छोटी सी मिस्टेक की है। ये आर में 1 आएगा। ओके, वी आर कमिटिंग सम मिस्टेक हियर ना, सी अगेन, मैं थोड़ा सा क्योंकि जल्दीबाजी में हमने लिखा, और जब 125 को 875 आंसर आ रहा है तो भी तो कैंसिल होने वाला है, तो पी वाई क्यू फॉर्म ऐसा कैसे आ गया। सी क्या हो रहा है यहाँ पे, हमने ना ए तो ठीक है, ए तो हमने सही से लिख दिया, जब आर लिखने की बारी आए तो हम ये भूल गए कि हर एक टर्म में क्या है, हर एक टर्म के अंदर 125 है। सो हर एक टर्म के अंदर 125, तो 125 125 कैंसिल हो जाएगा। सो सिंपली 1 डिवाइडेड बाय 10 टू पावर 3 दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 1000, ये हमारा आर आने वाला है। सो आर को यहां पर 1 बाय 1000 लिखेंगे तो 1000 माइनस 1 999 आएगा, यानी हमारा आंसर 125 बाय 999 होगा। ओके, लेट अस मूव टुवर्ड द सिंपल सिंपल कैलकुलेशन, और कुछ नहीं है। एक बार एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया फिर क्वेश्चन हमारा बहुत सिंपल हो जाएगा। सी अगेन, यहां पर 4 के साथ नहीं है, ध्यान रखना है 23 के साथ है, यानी हमारा नंबर पी जो है, पी इज 0.423, और ये 23 के ऊपर बार लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, एक्चुअली नंबर कैसे है, ये नंबर है 4 2 3 2 3 2 3 2 3 एंड सो ऑन। इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो क्या करेंगे, 0.4 को अलग कर लेते हैं, देन 0.023 लिख लेते हैं, प्लस 0.00023 लिख लेते हैं, देन 0.00000023 लिख लेते हैं। चेक करो एक बार भाई, ये पहला 4 आ गया, नेक्स्ट उस 4 की जगह को छोड़, 0 हो जाएगा और बाकी 23 है। नेक्स्ट में क्या करेंगे, 3 डिजिट छोड़ेंगे, फिर 23, नेक्स्ट में 5 डिजिट छोड़ना है, तो 2 3 5 23 एंड सो ऑन, इट मूव टुवर्ड्स इंफिनिटी। यानी पहला स्टेप लिखने में थोड़ा सा ध्यान रखना है, रेस्ट हमारा कैलकुलेशन सिंपल है, क्योंकि ये 4 या इसको 4 बाई 10 लिख लेते हैं,
यहां पर नंबर कैसा है, यहां पर हो गया 23/10^3 प्लस यहां कितना हो गया 23/10^5 सो डेफिनेटली 23/10^7 सी हियर अगेन 23 है, इस पॉइंट को हटाएंगे अगर हम तो 23 के साथ क्या आएगा, 3 जीरोस आएंगे ना तो 1000 हो जाएगा. ओके सो सी ये जीपी नहीं है, दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ जीपी, तो इसको छोड़ देना है. अब इसका सम कैलकुलेट करते हैं. सम के लिए ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर. अब यहां आर थोड़ा सा ध्यान देना है, आर क्या है 10^1 / 10^2 यानी 1/100 राइट ना. सी अगेन यहां आर में थोड़ा सा ध्यान देना है कि आर जब लिखेंगे तो आर की कैलकुलेशन के लिए हम क्या करेंगे 23/10^5 को 23/r^3 23 कैंसिल होगा, जब इसमें से पावर कैंसिल होगा तो 1/100 बच जाएगा ये. ओके नाउ डू द कैलकुलेशन. सो 4/10 प्लस यहां 100 में से 1 गया 99, लेकिन इससे जब कैंसिल करेंगे तो एक 10 और बच जाएगा, यानी 23/10 बचने वाला है. इसको मुझे और एक स्टेप सिंप्लीफाई करना होगा, और एक स्टेप सिंप्लीफाई करने के बाद मीनिंग 990 का एलसीएम लेंगे, 99 को इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 23 सम करके लिख देना आंसर. सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7. सी क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर हमने लिया था इससे पहले क्वेश्चन नंबर 6 ना. सो 6 एंड 7 और इवन क्वेश्चन नंबर 8 भी जो है ना, हियर इज इट, ये भी क्वेश्चन हमारा सेम क्वेश्चन है ना, ये सेम क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 7 दोनों क्वेश्चन एग्जैक्टली एक जैसे हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 अभी हम लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं, एंड आई एम लीविंग दिस क्वेश्चन फॉर यू, क्योंकि अभी हमने जो दोनों क्वेश्चन किए हैं, दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7, बोथ दीज क्वेश्चंस आर सेम एज क्वेश्चन नंबर 8, यानी और या रिवर्स बोले ना, 8 भाई सॉल्व करना है, तो 8 क्वेश्चन जो है वो 6 और 7 जैसा था. नाउ हियर इज अनदर वन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है क्वेश्चन, वन साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 18 सेंटीमीटर, ओके द मिड पॉइंट ऑफ इट साइड्स आर जॉइंट टू फॉर्म अनदर ट्रायंगल हुज मिड पॉइंट्स इन टर्न आर जॉइंट टू फॉर्म स्टिल अनदर ट्रायंगल द प्रोसेस इज कंटिन्यूड इनडेफिनेटली फाइंड द सम ऑफ द पैरामीटर्स ऑफ ऑल ट्रायंगल एरियाज ऑफ ऑल द ट्रायंगल. ओके नाउ सी क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ट्रायंगल है हमारे पास और हमने क्या किया, इस ट्रायंगल की साइड यानी जो फर्स्ट ट्रायंगल है, फर्स्ट ट्रायंगल की साइड चलो ए लिख लेते हैं, वो है 18. अब हमने इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करा और एक और ट्रायंगल बन गया, तो जो सेकंड ट्रायंगल है यानी फर्स्ट ट्रायंगल की साइड को हमने A1 कर देते हैं, तो सेकंड ट्रायंगल जो बनाया है A2 उसकी साइड कितनी हो जाएगी, क्योंकि हमने मिड पॉइंट को ज्वाइन कराया था तो 18 का हाफ हो जाएगा, नहीं ये मिड पॉइंट को ज्वाइन करके, यानी अगर एक ट्रायंगल हमारे पास ABC था तो एक अनदर ट्रायंगल हमने क्या किया, उनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करके चलिए DEF बनाया. अभी क्या कर रहे हैं, जो नया ट्रायंगल DEF है ना उसके भी मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया हमने और एक और ट्रायंगल बना है. सो अब जो ट्रायंगल बनेगा वो इसका भी हाफ होगा, यानी उसकी साइड कितनी हो जाएगी 9/2, और अगर इस प्रोसेस को कंटिन्यू करें एक और ट्रायंगल बनाए तो 9/2 का भी हाफ करेंगे. सो वी हैव स्टार्टेड विद 18, देन 9/2, 9/4 एंड सो ऑन. अभी क्या प्रैक्टिकली तो अब मैं ज्वाइन करूंगा और मैं ज्वाइन करूंगा तो इसको थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो जाएगी है ना, लेकिन मैथमेटिकली क्या होगा, दिस प्रोसेस गोज अप टू इंफिनिटी, ये प्रोसेस इंफिनिटी तक इसी तरह से चलता रहेगा. तो अगर ये प्रोसेस इंफिनिटी तक इसी तरह से चलता है एग्जैक्टली बिना किसी चेंज के, तो हमें क्या करना है कि जितने ट्रायंगल्स बने ना सभी ट्रायंगल्स के पैरामीटर कैलकुलेट करना है. सो नाउ आंसर फॉर 1 फर्स्ट पार्ट का आंसर, दैट मीन पैरामीटर्स ऑफ ऑल ट्रायंगल. ओके नाउ व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ ऑल ट्रायंगल, सारे ट्रायंगल्स के पैरामीटर कैसे कैलकुलेट होगा, पहले ट्रायंगल का पैरामीटर 3 × 18, सेकंड ट्रायंगल जो है उसमें अगेन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, उसकी साइड कितनी है 9, देन 3 × 9/2, देन 3 × 9/4, मीनिंग ये तो है 54, यहां से ना सब में से 3 कॉमन है और 9 भी कॉमन है, रेस्ट क्या बच जा रहा है, प्लस 1/2,
1 by 4 and so on infinity. We are getting this, na? That is 54 plus 9, 3 is 27. और यहां हम क्या करेंगे जीपी इनफाइनाइट जीपी सो 2 माइनस 1 ये मतलब 1 में से 1 बाई 2 आएगा ना 1 बाई 2 यूनिट 2 सो 27 टू जा 54 108 तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो जाएगा वो हो जाएगा 108 ये ठीक है ये हमने सही किया ना कि हमने क्या किया इसको 3 into 18 प्लस 3 into 9 प्लस 3 into अब 3 से क्यों मल्टीप्लाई करना है क्योंकि जब किसी ट्रायंगल का पैरामीटर निकालेंगे तो उसके 3 साइड्स का सम लेना है ना यानी एक साइड को 3 से मल्टीप्लाई करना है लेकिन जब हम एरिया कैलकुलेट करने जाएंगे तो एरिया का फॉर्मूला यानी सेकंड के लिए जब एरिया कैलकुलेट सो अगेन इक्विलेटरल ट्रायंगल में रूट 3/4 को मल्टीप्लाई करते हैं किसके साइड के स्क्वायर से यानी रूट 18 रूट 3/4 को क्या करेंगे फर्स्ट साइड 18 है 9 का स्क्वायर देन 9 बाई 2 का स्क्वायर देन 9 बाई 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन यानी ये एक्सप्रेशन कैसे हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा रूट 3/4 सी 18 स्क्वायर को छोड़ देते हैं अभी यहां से 9 स्क्वायर कॉमन हो जाएगा 9 स्क्वायर को कॉमन करेंगे तो 1 प्लस 1 बाई 2 स्क्वायर 1 बाई 2 स्क्वायर का स्क्वायर 2 टू पावर 4 नेक्स्ट में डेफिनेटली 2 टू पावर 8 एंड सो ऑन यू विल गेट लाइक दिस ना रूट 3/4 18 स्क्वायर वो जीपी नहीं वो इस इनफाइनाइट जीपी के लिए मतलब वो एडजस्ट नहीं हो रहा है तो उसको हमने अलग लिख दिया बाकी सभी टर्म में देखो 9 स्क्वायर है 9 स्क्वायर 81 को कॉमन कर लेते हैं फर्स्ट में 1 सेकंड में 1 बाई 2 का स्क्वायर 1 बाई 4 का स्क्वायर अब 1 बाई 4 के स्क्वायर को 1 बाई 2 पावर 4 लिख सकते हैं ना नेक्स्ट में क्या होने वाला था और उसको हाफ करते ना हम उसको क्या करते और उसका हाफ लेते क्योंकि उसे मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो उसका आधा हो जाएगा यानी 9 बाई 8 आने वाला है तो 8 को हम 2 क्यूब लिखते हैं क्यूब को फिर 2 लिखते हैं है ना तो इस तरीके से हम जो टर्म बनेगा हमारा कि 1 बाई 2 का स्क्वायर 1 बाई बहुत अगर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो क्या करते हैं कि पहले यहाँ पर ना 2 का स्क्वायर लिखना फिर यहाँ 2 क्यूब का स्क्वायर लिखना है ना 2 क्यूब का स्क्वायर 6 होने वाला सॉरी 2 क्यूब का स्क्वायर 6 होने वाला है नेक्स्ट में 1 बाई 2 टू पावर 8 होने वाला है सो सी ये एक जीपी है ये एक इनफाइनाइट जीपी है और इस इनफाइनाइट जीपी का सम कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग सो इस इनफाइनाइट जीपी का सम कैलकुलेट कर लेना है और आंसर तक पहुंच जाना है यानी रूट 3/4 को ऐसे छोड़ दो 18 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा है ना 9 का स्क्वायर 81 और यहाँ जीपी में फर्स्ट टर्म 1 और आर कितना है आर है 1 बाई 2 स्क्वायर 1 बाई 4 दिस इज आर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आंसर लिख दीजिएगा तो आपको क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर मिल जाएगा सी दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चन रिलेटेड विद सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इनफाइनाइट जीपी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे क्योंकि इस एक्सरसाइज में लेवल 2 में 4 क्वेश्चन आर देयर जो लेवल 2 के क्वेश्चन है उसमें 4 क्वेश्चन और दिए हुए हैं तो हम क्या करेंगे उसको सेपरेट वीडियो में हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑफ ए जीपी के वीडियोस अपलोड कर रहे हैं तो उसमें हमने आरडी शर्मा की बुक के जो भी एक्सरसाइज हैं उसके लेवल 2 में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको उनको उनके सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं सो वेट फॉर दैट वीडियो उस वीडियो में उसके आपको रिमेनिंग क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिल जाएंगे सो डियर स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कीप वॉचिंग माई चैनल चैनल को देखते रहिए ताकि आप मेरे साथ अपने मैथ्स की प्रिपरेशन कर सकें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे कि कब हम आपसे रिलेटेड आपकी क्लास से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो